शिवपुरी जिले में श्रीमान एसपी महोदय राजेश सिंह चंदेल साहब और एडिशनल एसपी महोदय श्री प्रवीण कुमार भूरिया के निर्देशन में और करेरा एसडीओपी महोदय जीडी शर्मा के मार्गदर्शन में दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने अपने पुलिस बल के साथ मुखबिर की सूचना से शनिवार रविवार की रात करीब 2 बजे के लगभग क्षेत्र के ग्राम छितिपुर में रेत भरे एक डंपर और एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को रास्ते में रेत से भरा हुआ एक डंपर चालक सूरत सिंह पाल पुत्र जनकी पाल निवासी पशा खनिया थाना और एक बिना नंबर का नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर ट्राली देवी सिंह पुत्र केशव परिहार निवासी छितिपुर रेत से भरे हुए पकड़कर अवैध उत्खनन की धारा 379 और खनिज अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। और वहीं खाली डंपर जो रेत भरने जा रहा था इसका क्रमांक चालक आशीष पुत्र हरिलाल यादव निवासी वीरानपुरा बबूण कला पुलिस को देखकर मौके से भागने लगा जिसे पकड़ लिया गया, लेकिन डंपर खाली होने के कारण उस पर चालानी कार्रवाई की जिसमें एमवी एक्ट की 132 और धारा 177 के तहत मामला दर्ज किया गया और साथ ही वहां पर ये पूरा ट्रक जो है डंपर पिछौर क्षेत्र का पुष्पेंद्र सिंह चौहान और ट्रैक्टर देवी सिंह परिहार छितिपुर का बताया जा रहा है। इस कार्रवाई में दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव एएसआई संजय भगत योगेंद्र सिंह राणा शुभरन सिंह सिसोदिया प्रधान आरक्षक हिमांचल रावत सेवाराम पांडे आरक्षक मनीष गोस्वामी आशीष शर्मा सोनू श्रीवास्तव रामवीर बघेल और धर्मेंद्र लोधी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कि लगातार अभी कुछ दिन से खबरों में ये चल रहा था कि दिनारा क्षेत्र में अवैध परिवहन चल रहा है, उसको आपने तत्काल संज्ञान में लेकर इस पर रात्रि में अपनी गश्त बढ़ाई और उसकी उचित परिणति के तौर पर ये डंपर यहाँ पर खड़ा नजर आ रहा है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए डंपर कहाँ से निकल रहा था और कहाँ जा रहा था, कहाँ पकड़ा गया? कल दौरानी गश्त मुझे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि छितिपुर रोड पर एक डंपर बंदी से भरा हुआ और एक ट्रैक्टर आ रहे हैं इसके उस पर मैं वहाँ पहुँचा तो पहले मुझे आगे एक खाली डंपर मिला जिसको मैंने रोका तो मैं भागा, उसे मैंने रोक कर उसे साइड लगवाया और वहाँ दोबारा चक छोड़कर आगे बढ़ा। उसके बाद मुझे फिर एक बंदी से भरा हुआ डंपर और एक खाली डंपर मिला जिन पर विधिवत मैंने मेरे द्वारा अवैध उत्खनन की कार्रवाई की गई और जो डंपर भागा था खाली था उस पर भी मेरे द्वारा एमबीएफ की तरह कार्रवाई की। अच्छा सर ये जो बजरी इसमें है यहाँ पर कोई रॉयल्टी का कारोबार नहीं है जी। दूसरा छितिपुर क्षेत्र में अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है और मेरे द्वारा जब से मैंने यहाँ पदभार लिया है जब से मैंने हमारे माननीय एसपी साहब ने जो निर्देश दिए थे उसमें हमने अवैध उत्खनन पर टोटल रोक लगा दी। इसके द्वारा ये लगातार चोरियाँ करके अवैध उत्खनन कर रहे थे जिस पर मेरे द्वारा ही कार्रवाई की गई लगातार। अच्छा सर एक अगर अवैध उत्खनन होगा और गाड़ियाँ जाएंगी हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। लगातार कार्रवाई होती रही बिल्कुल लगातार कार्रवाई।